हेलो एवरीवन आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मायर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर्स ये जो टॉपिक है ये एम पी सी जीरो जीरो थ्री का है ठीक है इससे पहले भी हमने कई सारी पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से देख सकते हैं जो कि एग्जाम्स में भी आए हुए हैं सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ शेयर कर देना अपने बैचमेट्स के, के साथ फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का सो लेट्स बिगिन द टॉपिक तो बेसिकली जो पर्सनालिटी टाइपोलॉजी मायर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर्स इसको एम बी टी आई भी इन शॉर्ट में कहा जाता है ये एक इंट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चन आयर है जो ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रेफरेंसेस कितने साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लोगों के कि हाउ पीपल परसीव द वर्ल्ड एंड मेक डिसीजन किस तरीके से लोग वर्ल्ड को अपने इन्वायरमेंट को अपने आसपास के लोगों को परसीव करते हैं और किस तरीके से डिसीजन लेते हैं ठीक है तो बेसिकली जो एम बी टी आई है इसको फर्स्ट डेवलप किया था नाइनटीन फोटीज में बाई इज़ाबेल ब्रिक्स एंड मेयर्स एंड हर मदर कैथरीन कुक ब्रिक्स ने ठीक है ये जो आ, ये जो बेस था वो साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग थ्योरी पे था तो जो साइकोलॉजिकल टाइप दिए थे इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आप इग्नों से कर रहे हैं फिर भी अगर आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं या फिर नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है नॉलेज होनी चाहिए तो आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना तो इसका जो पर्पज था टेस्ट का वो अकॉर्डिंग टू मेयर्स एंड ब्रिक्स फाउंडेशन ने कहा था कि मेक द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप डिस्क्राइब बाई सी एस यू अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल इन पीपल्स लाइफ्स ठीक है ये तो मैंने बता ही दिया था इन अदर वर्ड में कहा जाए तो जो एम बी एम टी बी आई है ये इंटेंड करती है कि और क्लैरिफाई करती है अंडरस्टैंडिंग होती है पर्सन की पर्सनैलिटी टाइप को इन प्रैक्टिकल वे ठीक है एक फर्स्ट हमने पर्पज़ क्या था उसको देख लिया था कि वो क्वेश्चन आयर है और किस तरीके से पर्सन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को परसीव करता है डिसीजन लेता है और ये भी है कि वो पर्सनालिटी टाइप को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्लैरिटी क्लैरिफाई कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल वे ठीक है ये भी है चलिए अब जो वॉट इज़ मैर्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर है उसको देख लेते हैं तो ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है ठीक है और इसको सिंपली मायर्स ब्रिक्स टेस्ट भी कहा जाता है जो सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चन आयर है ये मैं बता चुकी हूँ ठीक है ये जो क्वेश्चन आयर है ये असिस करता है दियर पर्सनालिटी ड्यूरिंग फोर स्पेसिफिक डिकोटोमिस और स्केल्स को फर्स्ट है इंट्रोवर्जन या एक्स्ट्रा वर्जन सेकेंड है सेंसेसिंग इंट्यूशन एंड थर्ड है थिंकिंग फीलिंग एंड फोर्थ है जजिंग परसीविंग ठीक है थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मायर्स और ब्रिक्स ने पहली बार जब टेस्ट किया था ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली पे डेटा कलेक्ट करके किया था वर्कशॉप की थी क्वेश्चंस की एंड डिटरमाइन किया था कि हाउ टू वेट ईच अदर ठीक है इन 1951 में मोर देन 5000 थाउजेंड मेडिकल स्टूडेंट पर इन्होंने uh, टेस्ट किए थे 45 फाइव मेडिकल कॉलेज स्कूल्स थे जिसमें एम को यूज़ किया गया था ठीक है हेल्प डिटरमाइन विच एरियाज़ ऑफ मेडिसिन इन विच दे वुड स्पेशलाइज ठीक है ओकि किस एरिया में किस मेडिसिन के एरिया में वो स्पेशलाइज्ड हैं ठीक है तो सिंस द क्वेश्चन आयर हैज़ बीन यूज टू हेल्प पीपल बोथ इन एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस लर्न मोर अबाउट देअर पर्सनैलिटी एंड द पर्सनैलिटीज ऑफ द पीपल अराउंड दैम ठीक है वर्क प्लेस में भी और फैमिली में भी और उनके फ्रेंड्स में भी किस तरीके का उनका रिलेशन है और इनर वो इनर से वो क्या सोचते हैं आउटर वो किस तरीके से परसीव करते हैं पर्सनैलिटी उनकी क्या है ओवरऑल ये क्वेश्चन आयर हेल्प करता है ठीक है तो ये जो पर्सनैलिटी है टाइप है ये एम ये इंक्लूडिंग कुछ लेटर्स जैसे मैंने अभी बताए कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो इन्होंने सिक्सटीन पर्सनैलिटी टाइप दे दिए थे इसी के बेसिस पे ठीक है तो इन्होंने जो लेटर्स दिए थे ईच साइड ऑफ द फोर स्केल स्केल की बात की थी ठीक है तो उसी स्केल के बारे में हम देखते हैं Uh, जैसे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट रिप्रेजेंट करता है आई और ई e, और सेंसेसिंग इंट्यूशन रिप्रेजेंट करता है एस और एन और थिंकिंग एंड फीलिंग रिप्रेजेंट करता है टी और एफ और जजिंग एंड परसीविंग करता है जे एंड पी इसी के बेसिस पे इन्होंने पर्सनैलिटी जैसे मैंने बताया सो so ये जो फोर स्केल दिए थे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं उसके बाद जो सिक्सटीन पर्सनैलिटी टाइप दी थी ना उसके बारे में देखेंगे तो एक्स्ट्रा वर्जन और इंट्रो वर्जन का हमने युंग पर्सनैलिटी टाइप में भी पढ़ लिया था और आपको पता भी है जो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं वो आउटवर्टेड टर्निंग होते हैं ठीक है थीके? लोगों के साथ रहना सोशल इंट्रैक्शन उनको ज्यादा पसंद है आउटर वर्ल्ड से उनका कनेक्शन होता ही होता है ठीक है एंड वहीं पर जो इंट्रोवर्ड्स होते हैं वो इन्वर्ट टर्निंग होते हैं दैट मीन्स कि वो इंजॉय डीप करते हैं मीनिंगफुल सोशल इंट्रेक्शन होता है उनका फील रिचार्ज रिचार्ज आफ्टर स्पेंडिंग टाइम अलोन ठीक है इस टाइप के होते हैं और सेंसेसिंग इंस्ट्यूशन टाइप के पर्सनैलिटी क्या होते हैं ये ज़्यादातर पे अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू रियालिटी ये जो भी लर्न uh, करते हैं उनके दियर ओन सेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग uh, करते हैं दे टेन टू फोकस ऑन फैक्ट्स एंड डिटेल्स एंड एंजॉय गेटिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसिस ठीक है वहीं पर जो इंट्यूशन टाइप की पर्सनैलिटी होती है वो इन्जॉय करते हैं थिंकिंग को अबाउट पॉसिबिलिटीज इमेजिनिंग द फ्यूचर एंड एबस्ट्रैक्ट थ्योरीज टाइप की पर्सनैलिटी होती है उनकी थिंकिंग एंड फीलिंग टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है जो थिंकिंग टाइप की पर्सनैलिटी होती है वो प्रिफर करते हैं कंसिस्टेंस लॉजिकल एंड इम्पर्सनल वैन वीजिंग अ डिसीजन ठीक है वहीं पर जो फीलिंग टाइप की पर्सनालिटी होती है उस टाइप के पर्सन जो होते हैं वो मोर लाइकली टू कंसीडर पीपल एंड इमोशंस व्हेन अराइविंग एट अ कंक्लूजन ठीक है वो फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका ठीक है एंड लास्ट स्केल इन्होंने दी थी जजिंग एंड परसीविंग तो जजिंग टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो पीपल टेंड टू डील विद द आउटसाइड वर्ल्ड ठीक है इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है टू जजिंग प्रिफर स्ट्रक्चर एंड फाइन फॉर्म डिसीजन्स ठीक है और वहीं पर जो परसीविंग पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही मोर ओपन होते हैं फ्लैक्सीबल होते हैं अडेप्टेबल होते हैं ये दोनों जो टेंडेंसी है इंटरेक्ट विद द अदर स्किल ठीक है उसको और अच्छे से हम समझेंगे जब आप और भी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ो तो इनका कहना था कि जो ये स्केल्स हमने अभी पढ़ी हैं इनका कहना था कि अ पर्सनैलिटी में नॉट फॉल परफेक्टली इन टू वन टाइप ठीक है इसीलिए इन्होंने जो फॉल फोर लेटर दिए थे टाइप कोड रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ ईच ऑफ द फोर स्केल अ पर्सन मोस्ट क्लोजली फिट्स ठीक है कि चारों स्केल्स को मिलाकर उस पर शायद वो पर्सन फिट होता है ठीक है जो इसके हमने कोड दिए थे कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को तो क्या रिप्रेजेंट करता है कोड आई और ई ठीक है उसी के बेसिस पे यहाँ पे एग्जांपल है कि एक पर्सन हु लीन्स टू इंट्रोवर्जन इंट्यूशन थिंकिंग एंड जजिंग वुड बी कंसिडर पर्सनैलिटी टाइप आई एन टी जे ठीक है एक तो पर्सनैलिटी ये हो गई और ऐसे ही इन्होंने फिफ्टीन पर्सनैलिटी क्रॉस दीज फोर स्पेक्ट्रम्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं ठीक है इसको लेके सिक्सटीन होगा तो सिक्सटीन के बारे में हम देख लेते हैं तो सबसे पहला इन्होंने लेटर दिया था जो लेटर कोड था वो था आई एस टी जे ठीक है आई से इंट्यूशन एस से होगा सेंसेशन टी से इन्होंने दिया था थिंकिंग एंड जे से था जजिंग ठीक है द इंस्पेक्टर रिजर्व एंड प्रैक्टिकल होते हैं इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है दे टेंड टू बी लॉयल और रिलरी एंड ट्रेडिशनल होते हैं ठीक है एंड वहीं पर सेकंड इन्होंने दिया था आई एस टी पी ठीक है आपको पता ही है मैंने कोड पहले से ही बता दिए हैं इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो क्राफ्टर होते हैं हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं दे इंजॉय न्यू एक्सपीरियंस दैट प्रोवाइड फर्स्ट हैंड लर्निंग ठीक है नेक्स्ट इन्होंने थर्ड दिया था पर्सनालिटी आई एस एफ जे ठीक है ये प्रोटेक्टर होते हैं वार्म हार्टेड होते हैं एंड डेडिकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा the okay. दे आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द पीपल दे केयर अबाउट ओके नेक्स्ट फोर्थ पर्सनैलिटी ने दी थी आई एस एफ पी ये इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो आर्टिस्ट होते हैं इजी गोइंग होते हैं एंड फ्लैक्सीबल होते हैं दे टेंड टू बी रिजर्व एंड आर्टिस्टिक ठीक है ओके okay. अब नेक्स्ट है आई एन एफ जे इसका जो फुल फॉर्म है ना आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हो जिससे आपको पढ़ना इजी होगा ठीक है तो इस टाइप की पर्सनालिटी जो होती है वो एडवोकेट होती है अकॉर्डिंग टू मेयर्स एंड ब्रिक्स इन्होंने कहा था कि ये क्रिएटिव होते हैं एनालिटिकल होते हैं एंड द कंसिडर वन ऑफ द रेयरेस्ट मेयर ब्रिक्स टाइप्स ठीक है टाइप. बहुत रेयर टाइप है ये आई एंड एफ मीडिएटर होते हैं आइडियलिस्टिक विद हाई वैल्यूज दे स्ट्राइव टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस ओके आई एन टी जे जो पर्सनैलिटी होती है इस टाइप की पर्सनैलिटी आर्किटेक्ट होती है इन्होंने पूरा ओवरऑल सिक्सटीन पर्सनैलिटी में हर पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया था किसी को छोड़ा नहीं था इन्होंने इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो हाई लॉजिकल होती है दे आर बोथ वेरी क्रिएटिव एंड एनालिटिकल होते हैं ठीक है नेक्स्ट एट पर्सनैलिटी ने दी थी आई एंड टी पी इस टाइप की पर्सनैलिटी जो होती है वो थिंकर होते हैं क्वाइट एंड इंट्रोवर्ट होते हैं दे आर नोन फॉर हैविंग अ रिच इनर वर्ल्ड ओके नेक्स्ट नाइन्थ पर्सनैलिटी इन्होंने दी थी ई एस टी पी सो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो पर्सेडर होते हैं आउट गोइंग होते हैं ड्रामेटिक होते हैं दे इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विथ अदर्स एंड फोकसिंग ऑन द हेयर एंड नाव ठीक है टेंथ पर्सनैलिटी इन्होंने दी थी ई एस टी जे ये इस टाइप के जो पर्सनैलिटी होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं असर्टिव होते हैं रूल ओरिएंटेड होते हैं दे हैव हाई प्रिंसिपल एंड अ टेंडेंसी टू टेक चार्ज ठीक है नेक्स्ट पर्सनैलिटी इलेवन थी इन्होंने इसमें दिया था ई एस एफ पी ये परफॉर्मर होते हैं आउट गोइंग होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं दे एंजॉय टेकिंग सेंटर स्टेज ठीक है नेक्स्ट इन्होंने दी थी ट्वेल्थ पर्सनैलिटी ई एस एफ जे ये केयर गिवर होते हैं सॉफ्ट हार्टेड होते हैं एंड आउट गोइंग होते हैं दे टेंड टू बिलीव द बेस्ट अबाउट अदर पीपल ठीक है थर्टीन पर्सनैलिटी इन्होंने दी थी ई एन एफ पी ये चैम्पियन होते हैं ठीक है एनर्जेटिक uh, होते हैं ठीक है एंड दे इन्जॉय सिचुएशन वेयर दे कैन पुट दियर क्रिएटिविटी टू वर्क ओके नेक्स्ट है फोर्टीन ई एंड एफ जे ये गिवर होते हैं लॉयल और सेंसिटिव होते हैं दे आर नोन फॉर बींग अंडरस्टैंडिंग एंड जेनरस ठीक है नेक्स्ट सिक्सटीन फिफ्टीन पर्सनैलिटी इन्होंने दी थी आई एन टी पी ये डिबेटर होते हैं हाईली इंटेंटिव होते हैं ठीक है इन्वेंटिव होते हैं एंड दे लव बींग सराउंडिंग बाई आइडियाज एंड टेन टू स्टार्ट मैनी प्रोजेक्ट बट मे स्ट्रगल टू फिनिश दैम ठीक है ये भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट एंड लास्ट स्केल इन्होंने दी है ई एन टी जे द कमांडर होते हैं इस टाइप की पर्सनैलिटी आउट स्पोकन होते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं दे आर ग्रेट एट मेकिंग प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट आप कमेंट करके बताना कि आप कौन सी पर्सनैलिटी में फॉल करते हो सो so, ये था मैर्स एंड बिगर्स का इंडिकेटर टाइप आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए पढ़ते रहिए And happy day. Thanks for watching.